नमस्कार सर्व कला प्रेमींक, कॅनरा युनियन आर्ट सेक्शन महाराष्ट्र मंडळ आणि इतर तंडागलतर्फेने हार्दिक स्वागत. ए व्हेरी हार्टी वेलकम टू ऑल रसिकास फॉर दिस कर्नाड नाटकोत्सव विच टुक ऑफ विथ अ बँग यस्टरडे विथ अ कन्नडा प्ले तलेदंडा. टुडे we'll be presenting Nagamandal in Hindi, presented by Ankur. And now we have with us a special guest, Srimati Sushila Mehta, who is a very well-known dancer, very well-known musician, and a multifaceted personality. And I request Srimati Jyoti Haldipur to kindly honor Srimati Sushila Mehta, please. Thank you so much and welcome. Hearty welcome, Sushila ji. And a very, very hearty welcome to all the people here who have gathered here despite the rains. Thank you for coming, braving these rains to watch us. We need this kind of encouragement for our future plays also. So have a great evening. Thank you. Namaskar. Namaskar. आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया अपने अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट मोड पे रखें या स्विच ऑफ कर दें. धन्यवाद. कर्नाड नाटकोत्सव में आपका स्वागत है. कैनरा यूनियन अंकुर प्रस्तुत करने जा रहा है श्रीमान गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित दो अंकी नाटक नागमंडल. हिंदी अनुवाद श्री बी आर नारायण. निर्देशन श्री गौतम उभयकर. प्रस्तुत है नागमंडल. के सामने मेरे प्राण पखेरु उड़ सकते हैं. एक सन्यासी ने मुझसे कहा था, इस महीने में कम से कम एक पूरी रात तुम्हें जागरण करना चाहिए, तभी जिंदा रह सकोगे, नहीं तो महीने की आखिरी रात तुम मर जाओगे. सन्यासी की यह बात सुनकर मैं तो हंस पड़ा कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, केवल एक रात. लेकिन अब तक
29 रातें गुजर चुकी है, एक रात भी पूरी तरह जागरण संभव नहीं हो सका। हर एक रात जाने अनजाने नींद का झोंका आ ही जाता है, आंख लग जाती है, जो मैं खुली आंखों से देख रहा हूं और समझ रहा हूं वो तो बाद में पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। इस प्रकार 29 रातें गुजार चुका हूं, आज अंतिम रात है। कैसे उम्मीद करूं कि जो अब तक संभव नहीं हो सका वो मैं आज कर पाऊंगा? आप लोगों के देखते देखते ही मेरी आंख लग सकती है। अगर कुछ ऐसे हुआ तो समझो मेरा सर्वनाश हो गया। मैंने उस सन्यासी से पूछा था, भला मेरा अपराध क्या है, मेरी किस गलती के वजह से यह मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है? उसने कहा, तुमने नाटक लिखे हैं, खिलाए हैं, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके आई हुई जनता को इन उबड़ खाबड़ कुर्सियों और बेंचों के ऊपर बैठ के ना ही नींद आई ना पूरी तरह आराम मिला। इस प्रकार उन्हें नरक यातना भोगनी पड़ी है। वही अनिद्रा शाप के रूप में मृत्यु बन के तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम्हारे सिर के आसपास मंडरा रही है। मैंने तो सपने में भी यह नहीं सोचा था कि मेरे नाटक इतने परिणामकारी होंगे। खैर, आज अंतिम रात है, इसीलिए मैं घर छोड़ के भाग आया हूं। यही सोच के आया हूं कि जिन प्रेक्षकों को मैं जीवन भर तंग करता आया हूं उनके सामने मरना ठीक नहीं है। इसीलिए इस उजाड़ मंदिर में जिसकी मूर्ति भी टूटी फूटी है और जिसका कोई नाम भी नहीं है, ये जगह मरने के लिए बिल्कुल ठीक है। मानो इसीलिए यह जगह बनी हो। लेकिन एक बात तो सच है, कल सुबह तक अगर मैं जिंदा बच गया तो नाटक लिखने का नाम ही नहीं लूंगा। कहानी, कथानक, प्लॉट, थीम, इतिवृत्त, इन सब को मैं छूंगा तक नहीं, भगवान की कसम। कौन है, कौन है इस आधी रात में इस उजाड़ मंदिर में? कौन आ रहा है? चार पांच दिए? आश्चर्य, परम आश्चर्य, केवल ये की ज्योतियां, दिया नहीं, बत्ती नहीं, दिया पकड़ने वाला नहीं, केवल ज्योतियां बिना किसी आधार के हवा में तैरती हुई आ रही है, हंस भी रही है और बातें भी कर रही है। ये कैसा करिश्मा, कोई भूत प्रेत का चमत्कार तो नहीं, या फिर भूतों का कोई खेल? इस्तेमाल भी नहीं होता। हाँ, अरे हमारी बात छोड़ो,
रोजाना आने के समय से कोई आधा घंटे पहले आई होगी, पर तुम्हारे साथ आई ये मिट्टी की तेल की ज्योति, इसका तो महीनों पता नहीं रहता। हाँ, आज इतनी जल्दी कैसे यहाँ? आज ही क्यों, आगे से लगता है रोज जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, रोज कैसे? बताती हूँ, वो मेरे मालिक की माँ है ना, बहुत बूढ़ी थी और बीमार भी, पेट में घाव, पेट में पस, खांसी, दमा, मल मूत सब कुछ बिस्तर पर। खांसी इतनी कि कोई सो नहीं सकता था, मुझे भी छुटकारा नहीं था। हालत ही ऐसी थी उसकी बेचारी, ना मरती थी ना जीती थी। आज सुबह वो चल बसी। अरे आगे की बात को सुनो, अब घर में सिर्फ दो ही जीव हैं, यानी मेरे मालिक और उसकी पत्नी। और पत्नी भी कितनी सुंदर है पता है? उन्होंने अंधेरा होते ही मुझे बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अरे तुम तो भाग्यवान हो, हमारे मालिक को तो पत्नी के अंग अंग देखने पर ही गर्मी चढ़ती है। इसीलिए अंधेरे में होने वाले सभी कामों के लिए इस दिए का साक्षी होना ही है। आज क्या हुआ? क्या हुआ? ओहो, मैंने सुना था कि रात को घरों में दिए बुझते ही सारी ज्योतियाँ अपने अपने घरों से निकल के गांव के बाहर किसी मंदिर में एकत्रित होती हैं। वहां वे गप्पे मार के बातें करके रात बिताती हैं। कहीं वो ज्योतियाँ इसी मंदिर में तो एकत्रित नहीं हुए? अरे सच में? अरे तुम छोड़ो, तुम्हारी कुछ भी। अरे देखो, आ गई। अरे कहाँ थी इतनी देर? आधी रात तो हो गई। अरे क्या बताऊँ, हमारे घर में तो एक हंगामा ही हो गया है। क्या हुआ? अरे आप लोगों को मालूम नहीं है? नहीं, हमारे घर में केवल दो ही प्राणी हैं, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी। आज बूढ़िया खाना खाकर गोबरी लगाकर बर्तन मांजने के बाद पति के सोने के कमरे में गई। वहाँ वो क्या देखती है? क्या देखती है? एक सुंदर स्त्री बढ़िया सी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर उस कमरे से बाहर निकल रही थी। बुढ़िया को देखते ही मुंह छिपाकर वो भाग गई। बुढ़िया ने बूढ़े को जगाकर उस औरत के बारे में पूछा। बात से बात बढ़ गई, यहाँ तक की नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। अरे पर वो औरत कौन थी? कौन थी? और तुम्हारे घर में कैसे आई? अरे बताती हूँ, हमारी बुढ़िया एक कहानी और एक गीत जानती थी, पर उसने कभी किसी को वो कहानी नहीं सुनाई, ना ही वो गीत। वो कहानी और वो गीत वही पड़े पड़े उब गए थे। आज दोपहर को बुढ़िया खाना खाकर जरा लंबी हो गई। जो ही उसने खर्राटे लेने को मुंह खोला, जो ही कहानी और गीत उसके मुंह से बाहर कूद पड़े। कूद कर अटारी पर चढ़कर एक कोने में छिपकर बैठ गए। रात को बूढ़ा अपने कमरे में सोने गया ही था कि मौका देखकर कहानी ने एक लड़की का रूप धारण कर लिया। गीत ने कपड़े का रूप धारण कर लिया। उन कपड़ों को पहनकर कहानी बूढ़े के कमरे में जाकर बैठ गई। ठीक बुढ़िया के वहां आने के समय वो बाहर निकली। इस तरह घर में झगड़ा पैदा करके कहानी और गीत ने अपना बदला ले लिया। वही तो, एक कहानी
आगे छिपा लो तो दूसरी बन जाती है। सच है, बदला तो ले लिया पर आगे उन बेचारियों का क्या बनेगा। क्या बनेगा? अंधेरे में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होंगी। बेचारी, आते समय रास्ते में मेरी उनसे भेंट हुई थी। मैंने कहा मंदे राजा, हम सब यही है, कभी भी आ सकती होगी। तब तो ठीक है, तो जब तक वो आए क्यों ना हम कोई गीत गाए। और थोड़ा नाचे भी। चलो मजा आएगा। समाप्त हो जाती है। उससे अच्छा तो यही था कि मैं उस बुढ़िया के भीतर ही पड़ी रहती। एक ना एक दिन वो किसी को कहानी सुनाती ही ना, आप लोगों को बताने से कोई लाभ नहीं। पर भला बताओ हम भी क्या करें। हम भी क्या करें। तुम कौन हो? तुम छोड़ो मुझे। तुम मुझे बताओ, मैं उसे दूसरों को सुनाऊंगा। कौन हो? छोड़ो मुझे। मैं चाहे कोई भी हूँ, मैंने कहा ना मैं कहानी सुनने को तैयार हूँ। ये बात है तो पहले मेरा हाथ छोड़ो। कहानी कहने के लिए सिर्फ मुंह काफी नहीं, हाथ की भी जरूरत है। पर एक शर्त है। क्या? कहानी सुनने के बाद वो किसी को सुनाना चाहिए। कहानी का जन्म किसी एक की संपत्ति बनने को नहीं होता है। हाँ, जिंदा रहूं तो सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहली बात यह है कि मुझे जिंदा रहना पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन आपकी कोई शर्त? हाँ, मेरी भी एक शर्त है। क्या? कहानी सुनते समय मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, ऊंग नहीं आनी चाहिए। नींद आ गई तो समझो मैं मर गया। कहानी होकर जन्म लेने से इतना भी नहीं कर सकी तो क्या फायदा? नहीं नहीं, संभव नहीं। क्या, अब क्या हो गया? मैंने अभी अभी प्रतिज्ञा ली थी, कल सुबह तक अगर जीवित रहा तो कहानी नाटक इन सब के बारे में मैं सोचूंगा तक नहीं। दोबारा इन प्रेक्षकों का शाप का सामना करने का उत्साह मुझ में नहीं है। ठीक है तो मैं चली। रुकिए रुकिए, मेरी परिस्थिति को समझने का यत्न कीजिए। ठीक है, मान लिया, और कर भी क्या सकता हूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आप चली गई तो मेरी कहानी भी खत्म। आप लोगों को कम से कम अब तक नाटक खिलवाने का कारण समझ में आ ही गया होगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जरा सहयोग दीजिए, कृपया ध्यान देके नाटक देखिए। मेरे लिए ये जीवन मृत्यु का प्रश्न है। ठीक है, कहानी सुनाओ। प्यार से रानी पुकारती थी, रानी, लंबे केश राशि की रानी, बहुत बड़े से जूड़े वाली रानी। जब वो जूड़ा बांधती थी तो ऐसा लगता था मानो सांप कुंडली मारे झूम रहा हो, और जब बाल खोल लेती थी तो काली घटा की तरह चमचमाती और पांव के पायल चूमती थी। रानी बड़ी हो गई, पिता ने उसके लिए एक वर ढूंढकर उसका ब्याह कर दिया। बेटा ही इकलौता ही था, बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे, काफी सारी धन संपत्ति थी। रानी रजस्वला हो, पति आकर उसे विदा कराकर अपने गांव ले गए। उसका नाम अपर्णा मान लेते हैं।
सारा सामान आ गया ना? जी। तो फिर ठीक है, मैं कल सुबह फिर से आऊंगा। खाना पका कर तैयार रखना, खाना खाकर जाऊंगा। मेरे नहा कर आने तक खाना परोस कर तैयार रखना।
रात के समय मुझे अकेले डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है, चुपचाप पड़ी रहो, यहां तुम्हें तंग करने कोई भी नहीं आएगा। जी मगर आप देखो, मुझे बेकार की बातें पसंद नहीं। यू बेकार में सवाल पूछकर मेरी जान मत खाओ। जैसा कहता हूं वैसा करोगी तो मार नहीं पड़ेगी। कल दोपहर को फिर से आऊंगा, खाना बनाकर तैयार रखना, खाना खाकर जाऊंगा। गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना, देखने के लिए निकल पड़ती हो। अरे उस अपर्णा को तो जंगली सुअर या भालू बनकर पैदा होना था, गलती से मनुष्य बनकर पैदा हुआ है। अरे बात करो तो नाक ही काट डालने को आता है। सारा गांव उसकी छाया तक पसंद नहीं करता और ऐसी हालत में तुमको उसकी फिक्र। अरे वो कैसा ही क्यों ना हो, उसकी माँ और मैं तो सगे बहने जैसी थी। हाँ बिचारी परसुती में ही चल बसी, लेकिन अब उसकी बहू आई है ना, तो भला बताओ मैं अपने आप को कैसे रोक पाती। हाँ और वो भी जब से तूने कहा है कि तूने उसे उस रंडी के कोठे पर देखा है,
तब से तो मेरी नींद ही उड़ गई है। हाय हाय, घर में पत्नी के आने के बाद भी उसकी रखेल की लत नहीं छूटी। छी 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 छी, तुमको बताना ही गलती होगी। अब तुमको नींद नहीं आएगी और मेरे पीठ का दर्द नहीं जाएगा। ए, मैंने कब तुझसे कहा कि मुझे पीठ पर उठाकर घुमा कर। मैं इसी गांव में पैदा हुई हूँ। हाँ, मैं अपना काम अपने आप कर सकती हूँ। हाँ, अरे माँ, तुम तो जानती हो ना कि हर रोज मैं हनुमान के मंदिर में अखाड़े में मूर्ति के सामने मैं क्या मांगता हूँ। मैं कहता हूँ, हे भगवान, मुझे कुश्ती नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को मेरे पीठ पर उठा के घुमा सकूँ, उतनी शक्ति देना। हाँ, ये मैं नहीं जानती क्या मेरे बेटे। अरे क्या हुआ रे, एकदम से क्यों खड़ा हो गया? कपड़ना कपड़ना नहीं, अपर्णा का घर यहीं से दिखता है, इसलिए यहीं रुक गया। जान ले जान आई, मैंने सोचा तू ये कहेगा कि तूने फिर से राक्षसी या पिशाचिनी देखी है, यही सोचकर मैं डर गई थी। हाँ, वो राक्षसिनी भी नहीं और पिशाचिनी भी नहीं, मैं कहूँ तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होता, लेकिन अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे उसकी बात छोड़, तू ये बता तू एकदम से खड़ा क्यों हो गया? क्योंकि मुझे लगता नहीं घर में कोई है, अगले दरवाजे पे ताला लगा है। ताला? ए? ताला? ये कैसे? भला ही वो अपनी रखेल के बगल में पड़ा हो, लेकिन उसकी पत्नी को तो घर में ही होना चाहिए था ना। सपना का क्या कहूँ, वो एक निहायत गंदा आदमी है। अरे क्या उसने अपनी पत्नी को इतने जल्दी मैके भेज दिया? कपड़ना, तू एक काम कर, जरा खिड़की से झांक कर देख, कहीं घर खाली करके चले तो नहीं गए? वो तो संभव नहीं ना। अरे मैं जो कहती वो सुन। नहीं, नहीं सुनता। अगर मेरी आंखें होती तो मैं कभी तुझसे नहीं कहती बेटे, मैं खुद जाकर देखाती, पता नहीं भगवान ने मुझे ही क्यों नहीं आंखें दी। लेकिन माँ, हम इस अपना के पकड़े में पड़े ही क्यों, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे जो जाए गए हमें उससे क्या, तो चल जरा देख कर बता। घर में कोई नहीं है। अरे मूर्ख, ये तो मैं भी जानती हूँ, घर में जब बाहर ताला लगा हुआ है तो घर के भीतर कोई हो सकता है क्या? जा, देख, देख। कहाँ देखूं? इधर से जाके देख। आंगन में देख रंगोली लगी है कि नहीं, और रस्सी पर जो कपड़े सूखे हैं उसमें सिर्फ कुर्ता धोती है कि या साड़ी चोली भी? हाँ, यहाँ से कुछ नहीं दिखाई देता। कौन है? कोई है घर में, किसी स्त्री का आवाज है। अरे इतना तो मुझे भी सुनाई देता है, स्त्री है तो उसमें भागने की क्या बात है, वो घर पे होगी यही सोचकर तो हम यहाँ आए हैं ना। ये लेकिन अपने बीवी को घर में अकेले बंद करके बाहर से ताला लगा के बाहर जाने में क्या क्या मतलब होता है? बोलिए, क्या मतलब हो सकता है, तू ही बता। इसका मतलब है कि कोई उससे बात न करे। अब चलो। कौन है, कौन बातें कर रहा है? अरे रुक रुक रुक, मैं उससे जाकर बात करके आऊंगी। आई बेटी, आई गई। अरे पत्नी को उसने तोते की तरह पिंजरे में बंद रख रखा है क्या? मैं उससे जाकर बात करके आऊंगी, तू जाए घर चला जा, डरपोक कहीं का। नहीं, नहीं जाऊंगा और घर भी नहीं जाऊंगा। मैं मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा, तुम जल्दी से आ जाओ, यूं गप्पे मारते बैठो मत। लड़की, ए बेटी,
कौन है आप? डरो मत, मैं अंधी माँ हूँ। तुम्हारी सास और मैं सगे बहने जैसी थी। हाँ, तुम्हारे पति के पैदा होने के समय मैंने ही तुम्हारी सास की जचकी करवाई थी। हाँ, अपर्णा भी मेरे लिए बेटे के समान ही है। अपर्णा घर में नहीं है क्या? जी नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? जी मुझे सब रानी पुकारते हैं। रानी, बड़ा ही सुंदर नाम है। अपर्णा गया कहाँ? पता नहीं। और बाहर कब गया? जी वो तो कल दोपहर का भोजन करके चले गए हैं। और लौटेगा कब? वो तो सिर्फ भोजन के समय ही घर पर रहते हैं। एक बार खाना खाकर जाने के बाद दूसरे दिन ही लौटता है क्या? फिर तुम सारा दिन अकेले ही घर पर पड़ी रहती हो। अरे नहीं नहीं बेटी, रोना नहीं, मैं तुम्हें रुलाने नहीं आई। रोज ऐसे ही बंद करके जाता है क्या? हाँ, जब से मैं शादी करके उनके साथ आई हूँ तब से बस ऐसे ही चल रहा है। हाँ। है, है। पीटता पड़ता है क्या? जी नहीं। बातचीत करता है कि नहीं? बातचीत बहुत कम, बस इतना ही। खाना पका कर रखो, खाना परोसो, जैसा कहता हूँ ऐसे करो। यानी तुम्हें अभी? जी जी, जब से मैं उनके साथ शादी करके आई हूँ ना, तब से मेरे से उनके अलावा बात करने वाला कोई है ही नहीं। मेरा तो मन उठ गया है। लड़की, बात करने का मेरा मतलब ये नहीं था। शादी के बाद तुम्हारे पति ने तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी माँ, मौसी, दीदी किसी ने कुछ सिखाए नहीं क्या? मेरी माँ तो मेरे रजस वाला स्नान के दिन से रोने लगी थी। मेरे गांव छोड़ने तक रोती ही रही। और मुझे पता है अब भी वो मेरे आँख में आंसू बहा रही होगी। हाँ। अरे नाना बेटी, रोना नहीं, रोने से क्या होता है। आ इधर आ, खिड़की के पास आ। मेरी हथेलियाँ ही मेरी आँखें हैं। तुम कैसी हो वो मैं देखना चाहती हूँ। हाय राम, तुम कितनी सुंदर हो। कान कान तो अढ़ल के फूलों जैसे है। गाल गाल तो नरम मुलायम बूंदी के लड्डू है। और होठ तो रेशम के लच्छे हैं, लच्छे। ऐसी सुंदर लड़की को घर में अकेले बिठाकर गांव में कैसे घूमता फिरता है वो हरामजादा। अंधिमा, मैं घर में अकेली हूँ। पता है मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मैं तो मेरे गांव में मेरे माता पिता के बीच में सोया करती थी। यहाँ आकर पता नहीं। अंधिमा, तुम मेरा एक काम करोगी? मेरे माँ बापू को खबर कर देना कि इन्होंने मुझे यहाँ कैसे रख रखा है। हाँ, उन्हें कहना वो मुझे यहाँ से आकर लेकर जाए। हाँ, नहीं तो हाँ, मैं ना किसी कुएं या तालाब में जाकर छोड़ दे दूंगी। ऐसे नहीं कहती बेटी, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। हाँ, मैं सब संभालूंगी। कपड़ना, अरे इधर आ। नहीं आता। अरे ये दीना एक मूर्ख, जा तोड़ कर घर जा। घर में जाते ही दाएं कोने में। दाएं कोने में? हाँ, तू हल रखता है ना ऊपर खम्बे की तरफ, शैतीर पर। खम्बे की तरफ शैतीर पर? हाँ, एक पुरानी पेटी है, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा है। उसे खोलना, बाएं की तरफ कपड़े की एक पोटली है। कपड़े की पोटली में लकड़ी का एक डिब्बा है। लकड़ी का डिब्बा? लकड़ी का डिब्बा। लकड़ी के डिब्बे में कागज की पुड़िया है। कागज की पुड़िया में नारियल के खोल है। नारियल के खोल को खोलना, उसमें दो जड़िया है। जा लेके आ, जा जा अभी। अरे हाँ, अपर्णा के आने से पहले जा। अपर्णा देख लेगा तुम। अरे बातें करके समय बर्बाद न कर, तू जा, जल्दी लेके आ जा, जा। लकड़ी का डिब्बा में क्या था? वो नारियल का खोल। लड़की, तुम यही हो ना? हाँ माजी। माजी, वो कौन था? मेरा बेटा कपड़ना। कपड़ना? अच्छा, इसीलिए मुझे उसका मुंह नहीं दिखाई दिया। अरे बेटा, उसका नाम कपड़ना है। इसे तू ये मत समझना कि वो काला है।
वो तो बहुत ही गोरा है, इतना गोरा कि जब वो पैदा हुआ मेरे घर वाले ने कहा ऐसा गोरा बच्चा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसका नाम तो गोरा ही रखेंगे। लेकिन मैंने जिंदगी में कालेपन के अलावा कुछ भी नहीं देखा था, मेरा तो जगत ही काला है। मैंने सोचा मेरी आंखों का तारा भी काला होना चाहिए, इसीलिए उसका नाम कपड़ना रखा। अच्छा अच्छा, पर माँ जी अभी आपने उसे कहाँ भेजा है? अरे बताती हूँ, अच्छा बैठ सुन। अच्छा बेटी, मैं तो जन्म से अंधी हूँ, भला मुझसे कौन शादी करता? मेरे बापू तो मेरे लिए वर ढूंढ कर थककर चूर चूर हो गए थे। लेकिन हमारे घर एक सन्यासी आया, घर में मैं अकेली थी। मैंने सब प्रकार से सन्यासी की सेवा करी, गरम गरम चावल बनाकर उसे पेट भर परोसा। सन्यासी मुझसे बहुत खुश हुआ, उसने मुझे तीन जड़िया दी और बोला जो भी पुरुष इसे खाएगा तो तुम पर लट्टू हो जाएगा। उसने कहा छोटी वाली खिला देना, उससे कोई फल नहीं निकला तो पिछली खिला देना, उससे भी कोई फायदा ना हुआ बड़ी वाली खिला देना। तो फिर लड़के ने एक बार खाना खाकर मेरी ओर एक बार देखा और बस अपनी सारी सोच भूल ही खो बैठा। दो दिनों में शादी भी कर ली, हमारे घर पर रह गया घर जमाई बनकर। उसे अपने पास से हटाना मुश्किल काम ही हो गया। लगता है आ गया वो। ला ला इधर ला, ले बेटी ले। ये क्या? अरे बेटी वो बताई थी ना चड़ियों वाली बात। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए माँ जी। अरे छोटी वाली ही ले ले, तेरी जैसी सुंदर मलिका के लिए छोटा ही बहुत है। एक बार तेरी खुशबू सूंघेगा तो उस कुत्ते को सूंघेगा भी नहीं। ले ले इस जड़ी को घिस कर खाने में मिलाकर तेरे घर वाले को परोस देना, बाद में देखना उसका परिणाम, तुझे ही अपनी पत्नी बना लेगा। माँ जी हमारी शादी तो हो चुकी है। अरे मैं जो कहती हूँ वो सुन, जल्दी जाकर घिसने बैठ जाना, हमारी शादी हो चुकी है। लगता है अब पढ़ना आ गया। क्या माँ जी आप चले जाइए, जल्दी से जाइए, पर हाँ आती जाती रहना माँ जी। हाँ 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 मैं आती जाती रहूंगी, पर तू मेरी बात ध्यान रखना ठीक है। अंधी माँ कैसे हो कपड़ना, कैसे हो अपना, बहुत दिन हो गए। तुम्हारा यहाँ क्या काम था अंधी माँ? सुना है तुम नई बहू लाए हो, उससे मिलने आई थी पर लाख बुलाने पर भी वो बाहर नहीं निकली। वो किसी से बात नहीं करती और किसी को उससे बात करने की जरूरत भी नहीं है। जाने दो जाने दो। हाँ। जाने दो। बाहर ताला इसलिए लगाया था ताकि देखने वाले समझ सके, और इस अंधी माँ की जबरदस्ती का क्या करें? कल एक शिकारी कुत्ता लाकर बांध देता हूं। हाँ आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ नहाकर चला जाऊंगा। अच्छा एक काम करो, एक गिलास गरम दूध दे दो।
दूध। आ
हो तो यही मुसीबत अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तभी तो मैंने 100 बार तुझसे कहा है, कम से कम अंधेरे में मुझे अकेले आने जाने दे। जाओ वहाँ जाओ, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाने वाला, तुम भी क्या कर सकती हो। लेकिन सोचो, यदि अपना घर में है और आधी रात को तुमको उसके घर के बाहर चक्कर काटते देख लेगा तो क्या चुप रहेगा वो? अरे तू चुप भी रह, हमारा काम तो ये देखना है कि वो ताला लगा है कि नहीं। अगर वो खुला है इसका मतलब है वो घर में ही भीतर है, तब तो हम जीत गए, तब हम तुरंत लौट जाएंगे। तू जरा ठहर, मैं देख के आती हूँ। अरे इसकी ताला, चांदनी रात है, यही कहीं घुमाने ले गया होगा अपनी पत्नी को। कौन है? तू भीतर ही है क्या बेटी? माँ जी, क्या हुआ री? अब भी उस दरवाजे पर ताला क्यों? तूने जड़ी पिलाई कि नहीं? पिलाई तो, फिर क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ, बस जरा सा चक्कर आ गया, उठकर मुंह धोकर चले भी गए। अच्छा, ये कोई मामूली जड़ी नहीं है बेटी, इसका मतलब है उस रांड ने भी कुछ कर रखा होगा। किसने? मैंने सोचा था तुझे ना बताऊं, वो है एक बाजारू औरत, उसी ने जकड़ रखा है तेरे घर वाले को। हाँ, मसल डालती है उसे, उसने कोई जबरदस्त जादू किया होगा तेरे घर वाले पर। अब इसका एक ही उपाय है। हाँ, वो क्या माँ जी? इस बड़ी वाली जड़ी को घिसकर तेरे घर वाले को परोस देना। नहीं माँ जी, उस छोटी वाली जड़ी के कारण उनको चक्कर आ गया था, अब इससे कुछ बड़ा अनर्थ हो गया तो? अरे भलाई होगा, मैं हवा में बातें नहीं करती बेटी, मैंने जो अनुभव किया है वो ही बता रही हूँ। ले, इस जड़ी को घिसकर दाल में मिलाकर तेरे घर वाले को परोस देना, ठीक है ना? कब बनना? चल चलो। मेरी बात ध्यान में रखना बेटी, एक और दाल पिला देना उसे, फिर देखना जड़ी की करामा। तुझे अंधी माँ कहने की देर है, तेरा घर वाला तुझे उठाकर मेरे घर ले आएगा। Yes.
जड़ी के घोल को दाल में मिला दो। हाँ रानी, मिला दो मिला दो। इसे मैं अपने पति को परोसूं? नहीं नहीं, संधि माँ की तो आंखें नहीं है, इनकी तो आंखें है ना, इन्हें उबल कर गिरता हुआ खुद दिखाई नहीं देता। हो सकता है सन्यासी के कहे अनुसार उनको कुछ भी दिखाई न दे। नहीं नहीं, पर उस छोटी से जड़ी के कारण उनको चक्कर आ गया था। अब इससे इससे बड़ा अनर्थ हो जाए तो क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, भगवान भगवान मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इतने अच्छे माँ बाप के पेट से जान लेकर मैं इतना बड़ा पाप कार्य करने चली थी भगवान, पर इसका क्या करूं? उनके आने से पहले मुझे कहीं कर जाना चाहिए। अरे ये तो उधर है, कहाँ फेंको? दिखाई दिया बिना रहेंगे क्या? क्या करूँ, कहाँ डालूँ? रानी, शाम की बांबी है। बात तो ठीक है। अरे रानी, अरे देखो जरा वो कुत्ता क्यों भौंक रहा है? रानी, 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 कहाँ गई थी? कहाँ गई थी?
खड़ी क्यों हो गई रानी? बैठो जी। आप कब आए? खाना परोसो। खाना? अरे अरे आधी रात में जी। नहीं तो फिर कुछ और लाओ। वैसे काँप क्यों रही हो रानी? बैठो। नहीं तो मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम वहां बैठ जाओ। अब ठीक? तुम बहुत सुंदर हो। कुछ चाहिए था? मैंने कहा तुम बहुत सुंदर हो। बेचारी बेचारी तुम्हारे जैसी कच्ची कली को ऐसा बेकार पति। जी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने ही कहा। आज सुबह बहुत मारा था ना, दर्द हुआ क्या? नहीं तो। बेचारी दिन भर घर में अकेली पड़ी रहती हो, माँ बाप की बहुत याद आती होगी ना? वे बहुत प्यार करते थे ना तुझसे। अरे क्या हुआ, तुम तो रो रही हो। पता लग गया तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को देखने की इच्छा हो रही होगी। ठीक है, तुम्हारे मायके जाने का प्रबंध किया जाएगा। जी हाँ सचमुच। अब जरा हंस के दिखाओ। देखो हंसने पर ही भेजूंगा। हाँ ये कुत्ता रोज ऐसे कान फाड़ भोंकता है क्या? तो तुम्हें नींद कैसे आती होगी? पर माने क्या? कुछ तो नहीं। ये कुत्ता अगर रोज ऐसे कान फाड़ भोंकता होगा तो तुम एक दिन भी ठीक से सो नहीं पाई होगी। पर क्या क्या पर किए जा रही हो? क्या बात है बताओ। पर आप ही तो आज सुबह इस कुत्ते को लाए थे। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अरे हाँ लेकिन फिर भी बेकार में तुम्हें कष्ट दिया ना। जी ऐसे कुछ नहीं है, दरअसल हर रोज चौका बर्तन के बाद मुझे कोई काम नहीं होता था, इसलिए दिन भर मैं सोया करती थी। पर जब से कुत्ता आया है ना गला फाड़ भोंके जा रहा है, इसीलिए जब आप आए तब मेरी आंख लग गई थी। आगे से ऐसे नहीं चलेगा, आगे से मेरे आते समय तुम्हें मेरा स्वागत हंसते हुए करना होगा। रोज रात को? हाँ आगे से मैं रोज रात को आया करूँगा। आ सकता हूँ ना? क्या मैं तुम्हारे पास आकर बैठ सकता हूँ? कहीं दोबारा उठकर खड़ी तो नहीं हो जाऊंगी? इतना डर क्यों रही हो रानी? डरने के लिए मैं कोई गिदिया नेवला तो नहीं? आओ मेरे पास आकर बैठो, आओ मेरे कंधे पर सिर रखो, आ जाओ। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, अपने माता पिता के बारे में बताओ। वो क्या क्या बातें करते थे, कौन कौन सी कहानियां सुनाते थे, तुम्हें किस नाम से पुकारते थे, कैसे प्यार करते थे? अरे ये तो सो गई। सुंदर है इसके बाल, काली काली नाग कन्याओं जैसे।
देखा होगा। हाँ, सपना ही तो हो सकता है। Thank you.
ये कौन सा नया खेल है रानी? अरे क्या हुआ, क्या कर रही हो? मैं पागल हो चुकी हूँ। क्यों? मैं पागल हो चुकी हूँ। मैंने सोचा था इनका आना, मुझसे बातें करना सब कुछ सपना होगा, पर ये सपना तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये सब मेरा भ्रम होगा। हाँ, घर में अकेली रहते रहते मेरे दिमाग में दीमक लगने लग गए हैं, भ्रम ही होगा। सपना भी नहीं और भ्रम भी नहीं, सचमुच में मैं आया हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, चाहे तो छूकर देख लो। होगी नहीं? ठीक है, कोई बातें करो। वो भी नहीं, तो फिर तो मैं चला ही जाता हूं। नहीं नहीं, तो फिर ऐसे चुपचाप भला बैठा रहने से पहले क्या लाभ? आप ही बोलिए, मैं आपसे क्या बात करूं? कुछ भी बातें करो, अपने बारे में बताओ, अपने माँ बाप के बारे में बताओ, अपने मायके के बारे में बताओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहां रुक जाऊं तो बताओ कि क्यों रुक जाऊं, और अगर चाहती हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो बताओ कि क्यों जाऊं। यही कि आप आकर ऐसा बचपना करेंगे तो मैं क्या करूं? बचपना? हाँ हाँ, रात को तो बड़े प्यार से पेश आते हैं, पर सुबह मुंह खोलते ही फाड़ खाने आते हैं। आपको तो बड़ी हंसी आ रही है, मेरा तो रोने का मन करता है। अच्छा तो फिर ये बताओ कि मैं दिन में आना बंद कर दूं या रात में, तुम ही बताओ। मैं कौन होती हूँ बताने वाली? आपका घर आपकी मर्जी। नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करते हैं, दिन में पति की मर्जी और रात में पत्नी की। अगर तुम चाहती हो कि मैं ना आऊं तो फिर कल रात से मैं नहीं आया करूंगा। आप क्यों मुझे ऐसे तंग कर रहे हैं? आपको शायद पता नहीं है, इस घर में अकेली रहते रहते मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। आज भी यह सोचकर बुरी तरह से डर गई थी कि अगर आपका आना सपना हुआ और आप ना आएंगे तो मैं क्या करूंगी। भगवान की कसम, अगर आपका आना सपना होता और आप ना आते तो मैं रो रो के मर ही जाती हूँ। पर आते ही ऐसे व्यंग करेंगे तो बोले मैं भी क्या कर सकती हूँ। बात ऐसी ही है रानी, दिन वैसा रात ऐसी, ऐसा क्यों है ये मत पूछना। ठीक है, आओ, मैं कल रात जैसे तुम मेरे छाती पर सर रखकर बच्चे के समान सोई थी ना, वैसे ही सो जाओ। आओ। जी, ये क्या? आपके गाल पर और गर्दन पर जख्म है, खून दिखाई? अरे कुछ नहीं, दांतों के निशान लग रहे हैं, कांटों के छड़ी में से होकर आए थे क्या? अरे मामूली बात है, मामूली से घाव है, भर जाएंगे। नहीं नहीं छोड़ो, तुम इसे मलहम लगाना पड़ेगा। मैं लगाती हूँ ना, मेरे माँ ने मुझे मलहम की डिबिया ली है ना, वही लाती हूँ। पर कहाँ रखी होगी मैंने? हाँ याद आ गया, उस दिन मेरे अंगूठे पर चोट लगी थी ना, तब निकाली थी, उस शीशे के पेटी में रखी है। अरे रहने दो रानी। अरे छोड़ो, रहने दो रानी। रानी क्या हुआ रानी? जी जी, जहाँ पर आप बैठे हैं ना, मुझे क्या कोई सांप? नाम मत लीजिए, कहते हैं रात को उसका नाम लो तो वो घर में आ जाता है। पर नाग अगर घर में आ ही जाए तो?
अरे बाप रे, क्या करूं मैं आपका? जिसका नाम नहीं लेना है उसी को तो बार बार ही याद किए जा रहे आप। अच्छा समझो तुम्हारा वो घर में आ ही जाए तो बताओ कि भला प्यार से क्यों नहीं आएगा? ना बाबा ना, भगवान बचाए, ये सोचते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आओ मेरे पास आकर बैठो। नहीं। आ जाओ, मैं हूं ना, आओ आ जाओ। अरे भगवान, मेरी अकल पर पत्थर गिर गया है क्या? आपको तो मलहम लगाना था ना अभी। अरे रहने दो, बस तुम पास बैठो, मलहम अब से आप हो जाएगा। जी, आपका खून कितना ठंडा है। अब क्या हुआ? दरअसल जब से शीशे में उसे देखा है ना, वही मेरे दिमाग में चक्कर काट रहा है। पता है हमारे बापू कहते थे चिड़िया की नाक की ओर देख। अब तुमने नाम लिया है तो आ ही जाएगा, देखो। आने दीजिए, जब आप मेरे पास है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। हाँ तो बापू क्या कहते थे? हाँ बापू कहते थे चिड़िया की नाक की ओर देख भर लेने से ही नाग उसे अपनी दृष्टि में ठास लेता है। चिड़िया अपने आप को छुड़ा नहीं सकती। वो नाग की आंखों में रंग बिरंगे सपने देखने में ही खुद को खो देती। अपना डर भूल कर आधे पंख हवा में खोल कर बस पत्थर सी हो जाती। धीरे से फिर नाग चिड़िया पर झपट्टा मार कर उसे निगल लेता है। Ah!
कदमों पर चल पड़ी है, अच्छा ही हुआ। आप अपना मुंह बंद भी रखिए। हाँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे चाहे जैसा व्यवहार करें, कोई पूछताछने वाला नहीं है। मगर आप अगर मेरे माता पिता के बारे में गलत सलत बात करेंगे तो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। हाँ, ये कुत्ता भी ना आज तो बिल्कुल भौंक ही नहीं रहा है। इस कुत्ते ने क्या ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जो उसका नाम जपे जा रही हो? हाँ, देखो, घनघोर वर्षा में टर्राने वाले मेंढक, अंधेरे में चुपचाप गाने वाले गीदड़ और केंकड़े, चींटियां, नाग, अबाबिल, मछलियां, धरती की गंध छोड़ने के समान मादा भी अपनी एक खुशबू छोड़ती है। उस खुशबू से मदमत होकर नागराज रानी को ढूंढता है, शेर शेरनी को खोजता है, रत्तियों के पेड़ पर लाल लाल रत्तियां खिल उठती है, बरगद के कोपल फूटते ही धरती अपना मुंह खोल लेती है और फिर उसकी जड़ें उसके खोखल से अवरुद्ध जगह में, पत्थरों की संधि में, आकाश से पाताल तक अंकुआकर फूट कर फोड़ कर धस पड़ती है और हर जगह अपना आकार फैला लेती है। हाँ, फिर संतुष्ट होकर पस्त होकर फैल जाती है। यही बात हर जगह है, हर चीज में है। बाप रे, दिन में मुंह से एक बात निकलवानी हो तो धरती और आकाश एक करने पड़ते हैं, और रातों में मुंह से बातों की फुलझड़ियां छड़ी जा रही है। वो कुछ भी हो,
प्राणी कीड़े मकोड़े चाहे जो भी करे मनुष्य को जरा सी शर्म होनी चाहिए। हाँ अच्छा रानी, अब थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और फिर मुझे जाना होगा। नहीं, कल रात को फिर से आऊंगा ना। रात को यानी दिन में नहीं आएंगे? ओह वो तो रोज की बात है। अच्छा रानी, आगे से मैं रोज दिन में भी आया करूंगा और रात में भी, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? रात को मेरे आते समय तुम्हें इसी कमरे में सोए रहना होगा। मेरे आने के समय और जाने के समय तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, खिड़की से झांकोगी भी नहीं। अब ये मत पूछना कि क्यों। नहीं पूछूंगी। भला सुअर, तिमिंगल, गरुड़ आदि क्यों पूछते हैं क्या? तो मैं भी नहीं पूछूंगी। लेकिन वे सब चाहिए कहते हैं, तो मैं भी चाहिए कह सकती हूँ ना। हाँ हाँ आओ। अगर वो भीतर होते तो दरवाजे को बाहर से ताला कैसे लगा हुआ होता?
अभी अभी गए हैं, आपका ध्यान नहीं गया होगा। हो सकता है, हो सकता है। तो गृहस्थी शुरू करती ना, थक गई होगी, जा जा जाके सो जा। तो कैसा है मेरे जड़ी का असर? आती जाती रहना अंजी माँ। हाँ बेटा, मैं आती जाती रहूंगी, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना। रोज रात को गुसल खाने की मोरी में कलछी घुसेड़ कर लो बांध देना ना भूलना, इससे रात को घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते। ये बेटी। अरे माँ, एक बात है, यदि वो कदम जो हमने सुने थे वो अपर्णा के ही थे तो वो बाहर क्यों नहीं आया? अरे वो भीतर ही है रे, मुझे मालूम है। पति पत्नी जब खेल खेलना शुरू करते हैं ना, तो कैसे कैसे खेल खेलते हैं उसका कोई अंत ही नहीं होता। रोज रोज नए नए खेल याद हो जाते हैं। चल अरे क्या हुआ रे, एकदम से क्यों खड़ा हो गया? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं तो तू खड़ा क्यों हो गया एकदम से? मैं कहूँ तो तुम नहीं मानोगी? अरे क्यों नहीं मानेंगे, इस गांव में, आसपास के गांव में, 10 गांव में ऐसी लड़की नहीं जिसे मैं नहीं पहचानती। लेकिन ऐसे असमय में आने वाली यहाँ पे लड़की? इतनी बार कहूँ वो इस गांव की लड़की नहीं है। कल जकड़नी के कुएं से तैर कर बाहर आ रही थी, और आज देखो उस शमशान से आ रही है। वो जब भी मेरी तरफ देखती है मुझे इशारा करके बुलाती है। वो कौन है? अरे राक्षसी, चौड़ी, पिशाचिनी, चाहे कोई भी हो, लेकिन तू ऐसे पागलों जैसे क्यों बातें कर रहा है? बता ना वास्तव में वो है कौन? बताने दोगी? देख कपड़ा, जब से मैंने तुझे जन्म दिया है ना, तब से मैंने ये नहीं सोचा कि हम दोनों अलग है। तू ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लगेगा तो ये समझ लेना हम अलग हो गए। हाँ, वो जब भी मेरी तरफ देखती है तो मुझे इशारा करके अपने पास बुलाती है। अरे तो देखो, चुप रे, चल अभी घर चलते हैं। चल कपड़ना, ए कपड़ना, ये भी ना कपड़ना, पता नहीं कहाँ चली गई कपड़ना। यहां सोया पड़ा है, दोपहर होने को है और ये अभी तक सोया पड़ा है। उठ। अरे राम, ये तो मर गया। 50 रुपए देकर लाया था इसे, क्या हो गया है इसे? सांप ने 10 लिया होगा, मामूली कुत्ता नहीं है ये, शेर का भी मुकाबला कर सकता था। क्या इसने सांप को देखा नहीं होगा? देखा होगा, दूर से देखा होगा, और उससे उलझा भी होगा, भौंका भी होगा। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी? जी नहीं। तुम्हें नींद के अलावा और कुछ सूझता है? जा अंदर,
हमारी रिया को बुलाना पड़ेगा अब। के मर जाने से अपर्णा का क्रोध बढ़ जाता। दूसरे दिन वो एक नेवला लाकर उधर बांधता है। नेवला भी एक ही दिन जी पाता है, लेकिन मरने से पहले कुत्ते से ज्यादा साहस दिखाता है। जान की बाजी लगाकर लड़ा होगा। उसके मुंह पर खून लगा था, उसके नाखूनों में मांस के टुकड़े, दांतों में सांप की फटी चमड़ी। दूसरे दिन रक्त से सना नेवला का शरीर देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। बड़ी प्रतीक्षा की, लेकिन वो आया ही नहीं। पता ही नहीं चला। रानी ने उसकी याद में रो रो कर बिलक बिलक कर दिन काटे। दोबारा आने तक उसके शरीर पर के घाव भरने लग गए। रानी ने बड़े प्यार से उस पर मलम लगाया, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। उसका आना ही रानी के लिए बहुत था। पर विचित्र बात यह थी कि दिन में जब पति घर आता था तब उसके शरीर पर कोई घाव दिखाई नहीं देते थे।
ज्यादा आतुर न हो, अपने को काबू में रखो। अभी रात की रानी खिल जाएगी और उसकी सुगंध सारे घर में फैल जाएगी। इस रात की रानी के सुगंध का क्या कहना, कैसे उनके आने के समय बिना नाग रात की रानी खिल जाती है, कैसे कैसे उसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है, कैसे उनका स्वागत करती है, हर सांस कैसे झूम उठती है। यहाँ बच्चा आने वाला है।
जी जी आप ऐसे पत्थर की मूर्त की तरह क्यों बैठ गए? आपको भले ही खुशी ना मिले लेकिन मेरी तसल्ली के लिए हंस दीजिए ना। मैंने सोचा था ये खबर सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, खुशी से झूमेंगे नाचेंगे, मुझे गोद में उठाकर झूमेंगे, मेरे पेट को झूमेंगे और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे ये डर भी था कि शायद आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और केवल इसीलिए मैंने इतने महीने से ये बात आपसे छुपा कर रखी। और जिसका मुझे डर था वही सच हुआ, आपको बच्चा होने की बात से बिल्कुल खुशी नहीं है, बिल्कुल खुशी नहीं है। कभी कभी तो लगता है आप इंसान ही नहीं है। देखिए देखिए हमारा बच्चा कैसे अंधेरे में सिकुड़ कर बैठा है, अंधेरे में बैठे बैठे बाहर के जगत का शोर गुल सुन रहा है, जैसे जैसे मैं हर रात सुना करती हूं। रानी आज तक तुमने ये बात मुझसे छुपाए रखी, अच्छा ही हुआ। आगे भी जितने दिनों तक हो सके इस बात का जिक्र न हो, ये बात एक रहस्य बनकर ही रहे। रहस्य? किससे? मुझसे। क्या आप क्या बात कर रहे हैं? आपको खुद भी पता है मुझे आपसे जो भी कहना था मैं सब कुछ कह चुकी हूँ, अब भला इस बात का रहस्य बनकर रहना कैसे संभव है? और कितने दिनों तक? एक हफ्ता, दो हफ्ता या तीन हफ्ते? रहस्य खुलेगा मैं जानता हूं, लेकिन जितने दिनों तक हो सके। जैसा कहता हूं वैसा करो। करूंगी, ये मत पूछना क्यों, जैसा कहता हूं वैसे करो। ठीक है करूंगी। सुबह चिड़ा चिड़ा रहना, रात को प्यार, दिन का मुंह कुछ और, रात का रूप स्पर्श कुछ और, दोनों का एक दूसरे से कुछ भी संबंध नहीं। पर दोनों समय का सूत्र बस एक ही है ना, जैसा कहता हूं वैसे करो। आप जब मुझे यहां लाए थे तब मैं एक बंदरिया की बच्ची के समान थी, मूर्ख बेवकूफ। लेकिन आप ही ने तो मुझे औरत बनाया है ना, बोलिए अब मैं आपकी पत्नी हूं। इतना ही नहीं एक माँ भी हूं, कोई तोता बिल्ली या चिड़िया तो नहीं। मुझ में जरा सी तो समझ है, यह जानकर आप मुझे क्यों बता नहीं देते कि क्यों आप ऐसा खेल खेल रहे हैं, क्यों सुबह से शाम गिट-गिट के तरह रंग बदलते रहते हैं? बताइए ना, बताइए, बताइए ना, कृपा करके बताइए। हर एक बात पूरी तरह से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो पता हो कि क्या इसके पीछे कोई कारण है। मैं शायद मेरा गर्भिणी होना ही गलत हो गया। हाँ, मेरा गर्भिणी होना गलत हो गया। मैं गर्भपात कर डालूं। दत्त, क्या कह रही हो? नहीं, गर्भपात करना भी संभव नहीं है, 5 महीने का गर्भ है। रहस्य तो खुल जाएगा ना, सबको पता चल ही जाएगा, इस बात का रहस्य बनकर रहना संभव ही नहीं होगा। रानी, रानी अब थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी,
रानी मुझे निकलना होगा, रानी मुझे जाना होगा। जाइए। हाँ कहते सर नहीं आती रानी कहती। बाहर ताला लगाने पर भी यार ढूंढ रखा है। बता बता किसके पास जाती थी साड़ी खोलकर? आपकी कसम मैंने कोई गलती नहीं की है। कुछ किए बिना ही घर फेर जाता है क्या? नहीं ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे। सारे गांव के सामने मेरा मुंह काला कराएगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी हरामी। नहीं नहीं हरामी कर पर ये पत्थर नहीं डाला, हरामी कद को यही मार नहीं डाला तो मैं मेरे साथ कर। कौन दरवाजा कौन खोलती है क्या? नहीं खोल दरवाजा। ठीक है दिखाई देता हूं, सारे गांव के पंचों को बुलाता हूं, सारे गांव के सामने इस हरामी कद को खोलते तेल में नहीं डाला तो मेरा नाम भी अपना नहीं, मेरा नाम भी अपना नहीं। मेरी इज्जत उछल रहे हैं, आप ही तो है ना जिसने मुझे इतने दिन घर में बंद करके रखा था, अब आप ही मुझे रास्ते पर धकेल कर मेरी इज्जत उठाना चाहते हैं। इससे तो अच्छा आप मुझे यही मार डालिए। हाँ रानी पंच तहकीकात करेंगे, इससे तो छुटकारा नहीं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं मानो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। आप ही तो है ना जो मुझे पंचायत घर खींच कर ले जा रहे हैं। जी जी आप उन पंचों से जाकर कह दीजिए ना कि मैंने झूठा आरोप लगाया, मेरी पत्नी बिल्कुल वैसे नहीं है। वो सब अब नहीं हो सकता। रानी रानी तो मुझ पर विश्वास करती हो? आप पर विश्वास करने का फल ही तो मैं आपको कट रही हूं, पर आपको यह भी पता है कि आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मैं तुम्हें पंचायत घर ले जाऊं तब तुम सारे पंचों के सामने कहना कि मैं नाक का दिव्य करूंगी। इस घर के बाहर सांप की बाबी है ना उसमें हाथ डाल देना। नहीं नहीं। हाँ बिल में हाथ डालकर नाक को बाहर निकालना और उसे हाथ में रखकर कसम खा लेना। नहीं इससे अच्छा तो आप मुझे यही मार डालिए। आप भूल गए आपके उस देवले और कुत्ते का क्या हाल हुआ था? मौत से कोई डर नहीं होता रानी। नाक से तो डर लगता है ना मुझे। अगर तुम सत्य कहोगी तो कुछ नहीं होगा। सत्य? कौन सा सत्य? सत्य माने सत्य, नाक को हाथ में पकड़कर सत्य कहो। और झूठ कहो तो? नाक दस लेगा। और जिसे मैं सच समझती हूँ वो झूठ निकले तो? काटेगा। इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं कि तुम्हें क्या लगता है। सत्य सत्य तो ये है कि मैं आपकी गर्भिणी हूँ, ये मुझे पता है, आपको पता है और इसे पूरे गांव वालों को भी समझना ही पड़ेगा। इसके अलावा किसी और सत्य का जिक्र आप मुझसे मत कीजिए, मत कीजिए। और क्या आपके उस नागराज को भी ऐसा ही सत्य चाहिए जो आप सबको तो स्वीकार्य हो लेकिन गर्भ धारण करने वाली महिला को खुद ही पता ना हो?
आप मुझे क्यों बता नहीं देते कि आखिर सत्य क्या है? सब ठीक हो जाएगा रानी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तुम जो चाहती हो वो सब तुम्हें मिलेगा रानी, वो सब तुम्हें मिलेगा। रुकिए, रुकिए। मुझे कस के पकड़िए, मुझे छोड़ के नहीं जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है, मौत का नहीं, सांप का नहीं, आपका। आप कह रहे हैं कल से आप मेरे गुलाम बन जाएंगे। आपने अपने दिल की आवाज सुनी है। कल तक जहां दिल का होना ही पता नहीं था, आज वहां आपका दिल कबूतर के समान फड़फड़ा रहा है। क्यों बोले ना, क्यों? मुझे कल नहीं चाहिए, परसों नहीं चाहिए। मेरे लिए बस बस आज की रात काफी है। मुझे पता है मुझे आपको यहां से जाने नहीं देना चाहिए। मेरे दिल की बात सुनकर आपको बस यही। खोलिए, खोलिए, खोलिए। पत्नी के साथ नहीं सोया, तब भी वो गर्भवती है। ये घर हराम का है। देखो, हमारे गांव में चली आई पद्धति के अनुसार तुम्हें तो गरम लोहा हाथ में लेकर कसम खानी पड़ेगी, या तो फिर उबलते हुए तेल में हाथ डालना पड़ेगा। लेकिन तुम तो नाग पर दिव्य करने पे तुले हो। ये बात कहते ही जैसे ही 10 बंदे इकट्ठे होते थे, वहां पे 100 लोग आ गए हैं। गांव का न्याय बाजार का विषय हो गया है। ये गांव के लिए ठीक नहीं और न्याय के दृष्टि से भी सही नहीं। देखो बेटा, हम जैसे कहते हैं वो सुनो। अगर नाग तुम्हें काटेगा तो केवल तुम्हारे प्राण के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे गर्भ के लिए भी हानि हो सकती है। और ऊपर से सारे गांव पर भ्रूण हत्या का पाप। तेरे सिर के कारण सारे गांव और बुजुर्गों पर पाप लगाना ठीक नहीं है। एक बात सोच ले,
हमारी बात मान और तेरा जिद छोड़ दे। गर्म लोहा हाथ में लेकर दिव्य कर लो, हमारे लिए यही पर्याप्त है, हम और कुछ नहीं पूछेंगे। सबसे छोटी बुजुर्ग मुझे क्षमा करे, लेकिन मैं नाग का ही दिव्य करूंगी। ठीक है, वैसे ही सही। जाओ हाथ में ले और कसम खा। मुझे अपना गाली मत दो। अरे उसने गलती की होगी, पर वो अब भी छोटी है। अरे नागराज को देख के हम सब कांप उठे हैं, तो वो डरती तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। बेटी अगर तुझसे नहीं होता है तो छोड़ दे, हमें भी नाग का दिव्य नहीं चाहिए। अपनी गलती मान ले, हम सोच विचार करके तुम्हें सही दंड देंगे। मैंने कोई गलती नहीं की है तो किस लिए और क्यों मैं अपनी गलती मान लूं? सुन लड़की, अब तक तू छोटी है, अनजान है, ये सोचकर अब तक तुम्हारे बात मानते आए, अब नहीं होगा। गलती मान ले नहीं तो दिव्य कर। हाँ। अगर ये दिव्य नहीं तो दूसरा सही, लेकिन दिव्य कर। ठीक है, मैं गर्म लोहा हाथ में लेकर कसम खाती हूँ। ये ठीक है बेटी, हम भला इतने देर से और क्या कह रहे थे। ये कैसा खेल है, ये मायावी है। भगवान बचाए, भ्रूण हत्या के पाप से बच गए। नहीं बेटी, वो तो पागल हो गई है, वो अपने बेटे का नाम ले लेकर के भटकती फिरती है। बेटे के खोए 8 दिन हो गए, बेचारी पागल हो गई है वो। गांव वालों ने उसे बार बार कहा है कि उसका कपड़ना कभी नहीं आएगा, लेकिन ये तो सुनने को तैयार ही नहीं है। आप मुझे छोड़ दे, छोड़ दो अपना। वैसे भी सलाख लाल होने के लिए वक्त तो चाहिए। अंधी माँ, मुझे पहचाना अंधी माँ। कपड़ा आया था क्या यहाँ? अंधी माँ बोले, मेरी ऐसी हालत क्यों हो गई अंधी माँ? बताइए। बीच रात में एकदम से नींद खुली, कपड़ा तन कर खड़ा था, मानो भूत लग गया हो। मैंने उसका हाथ पकड़ कर पूछा, उसने कुछ नहीं कहा, हिला भी नहीं। एकदम से मुझे पता चला, हम घर में केवल दो नहीं, और भी कोई है। कौन था दीमा? भला इन आँखें से, फूटी फूटी आँखों से क्या दिखता भला? जब वो कहता था उसकी बात नहीं सुनी, बैरी हो गई थी मैं बेटी, बैरी हो गई थी। वो चाहे कोई भी हो, इस लोक की स्त्री नहीं थी। मैंने चीख कर उससे पूछा, तुम कौन हो, तुम क्यों ऐसे मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? तब से दरवाजा खुला, घर में आंधी ऐसी घुस आई कि घर के शहतीर तक हिल गए। मेरा बेटा मेरे हाथ से छूट कर चला गया, मैंने अपना बेटा खो दिया, अपनी ही गलती से खो दिया। रानी, अब मैं उसका नाम लेकर गली गली भटकती फिरती हूँ। गांव के सब लोग कहते हैं मैं पागल हो गई हूँ। लड़की, मैं ये जानती हूँ वो लौटेगा नहीं, पर कम से कम उसका नाम तो जुबान पर रहता है ना। सुना नहीं तुमने? अब मुझे जाना है, अपने बेटे को ढूंढना है। कपड़ना, मुझे अपने पीठ पर लेकर जा।
चल कपड़ना बता बता अंधी माँ की ऐसी हालत क्यों हो गई? तो जन्मान है, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन इस प्रकार अगर किसी लोक की इच्छा है पाताल की गहराई से यक्षिणी के कुएं के पेट से अगर हमारे कंबल तक आ जाए तो भला इन आंखों में दृष्टि होने से क्या लाभ है? शांत हो जाओ। इस प्रकार कहानी दिशाहीन होकर जिस तरफ चाहे उस तरफ चल पड़े तो उससे अच्छा मृत्यु का चुंबन है, वो नाक की बांबी भी क्या खराब है। मैं नाक का ही दिव्य करूंगी। मैंने विवाह के बाद अपने इन हाथों से केवल दो को ही छुआ है। दो कौन? एक मेरा पति और दूसरा कौन? दूसरा ये नागराज। अगर ये छूटो ये नागराज मुझे यही डर है और मैं यही मर जाऊं। अरे चमत्कार 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 देवी। अरे पालकी लाओ, ढोल बजाओ, बजाओ पालकी लाओ। महान हो देवी मां की, रानी पन्ना, तुम्हारी पत्नी पूरी तरह देवी का अवतार है, ये कभी मत सोचना ऐसे देवी पर दोष लगाया। ऐसे महादेवी का चमत्कार लोगों को पता चले यही सोच के तुम्हारे मुंह से भगवान ने ऐसे बात कहलाई। अब पन्ना तुम तो पुण्यात्मा हो, पुण्यात्मा। अरे अपना अब अपना जीवन उनकी सेवा में अर्पित कर दो, ऐसा मौका यूं ही नहीं मिलता है। पूर्व जन्म का पुण्य है, पूर्व जन्म का पुण्य। चलो 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 सेवा में लगो। माँ, तुम तुम्हारे पातिव्रत के बल से हमारे गांव को बचाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे गांव के बच्चों के रक्षा करो माँ, रक्षा कवच बनो माँ। हमें आज्ञा दो, हमें अनुमति दो, हमें आज्ञा दो माँ। आप महान हो, महान
तुम मान हो, मैं महापापी हूँ, मां चाटा लू, मुझे माफ कर दो जी। आप ऐसी बात मत कीजिए जी, मुझे माफ कर दो। आप ही तो मेरे भगवान हो, मेरे सौभाग्य। ऐसी बात मत कीजिए, ऐसी बात मत कीजिए। और वो सब कुशल मंगल सुख शांति से जी रहे थे। ठीक समय रानी को एक बेटा हुआ। बेटे और पति के साथ वे सुख से जीवन बिताने लगी। बेटा हुआ, चलो अच्छा है। हाँ सब खुश है, सब अच्छा ही हो गया। अरे हाँ। सुबह होने को आई, चलो चलो चलते हैं। चलो 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 चलो। ये कैसा शोर, अब तक सब चुपचाप बैठी थी, और थोड़ी देर तो और थोड़ी देर वैसे ही नहीं बैठ सकती। क्यों, खत्म हो गया ना कहानी? वाह फटने को है, हमारे घर में सब जल्दी उठते हैं। हमारे और पक्षियों का कल सुनाई नहीं दिया? क्यों, कहानी सुनकर तसल्ली नहीं हुई? ठीक है पर मजा नहीं आया, थोड़ी अधूरी लग रही है। इसका यहाँ समाप्त होना लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन क्यों, कपन्ना का क्या हुआ, वो कहाँ गया? वो तो अंधी माँ की कहानी है, उसमें ज्यादा रुचि हो तो कहीं जाने से ढूंढने से मिल ही जाएगी। जैसे मेरी आपसे यहाँ भेंट हुई, किसी जंगल में, पेड़ पर, हाट में, या इन प्रेक्षकों में किसी ना किसी को मालूम ही होगा। अथवा आप ही उसे पूरा कर सकते हो, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। मैं तो रानी की कहानी हूँ। यहाँ भी वही बात है, रानी ने तो सुख संतोष से जीवन बिताया होगा, पर अपन्ना, अगर मैं अपन्ना होता। मैंने इसे छुआ तक नहीं, ये मुझे मालूम है। ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी गर्भिणी हुई, भला ये पतिव्रता कैसे? चाहे नागराज ही न्याय क्यों ना कर ले, चाहे जैसा करिश्मा क्यों ना कर ले, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। जो बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, भला उसकी ही कीमत ना हो? मुझे सुख कहां, चैन कहा, किस विश्वास से जीऊं, क्यों जीवित रहूं? और रानी की परिस्थिति कैसी रही होगी? एक पुरुष दूसरे पुरुष के समान प्यार कभी नहीं करता, हर एक का प्रेम करने का ढंग अलग अलग होता है, पकड़ अलग होती है, उसका कसाव अलग होता है। दिन का सुख कुछ और होता है तो रात का स्पर्श कुछ अलग होता है। पहले से ही वो रोती थी, जब एकदम रात का ढंग ही बदल जाए तो कैसी घबराहट होती होगी। कौन कौन कौन, हर रात यह प्रश्न अपना फन नहीं उठाता होगा, शरीर तड़प तड़प कर नहीं उठता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस दुनिया में गृहस्थी के माने यही होता है कि पति पत्नी अपने सारे सिर दर्दों को सिराने रखकर सिर टिकाकर सो जाते हैं, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। खर्राटे लेने वाले पति के समान सर के सब बाल जड़ जाने से गंजी हो जाने वाले पत्नी के समान, वहां भी कहानी हो सकती है, लेकिन वो कहानी यहां के जैसे नहीं हो सकती। फिर भी थोड़ी अधूरी लग रही है। हाँ तो वो नाग। हाँ नाग, एक दिन ना नाग अपने बांबी में बैठा था,
तब उसके मन में ख्याल आया, बहुत दिन बीत गए, रानी की परिस्थिति कैसी होगी, क्यों ना एक बार जाकर देख लूं। क्यों ना एक बार जाकर उसे देख लूं, वो सुख संतोष से होगी, मैंने उसे सब जुटा कर दिया है, लेकिन मैंने उसे सुख चैन से गृहस्थी चलाते नहीं देखा, देखकर खुश होने का मौका भी नहीं मिला। वही पुराना रास्ता, वही पुराना पहरा, आज याद करता हूं तो विश्वास नहीं होता कि उसने मुझे कैसा पागल बना दिया था। कैसा पागल बना दिया था। गंधी स्वप्न सुंदरी दूसरे की बाहों में, ये इस पुरुष को रोज ऐसे ही आलिंगन बंद करती होगी, रोज उसके बाहों में नाखून गड़ाती होगी, उसके होंठ काटती होगी, और मैं खिसक कर गिरी कैचुली। कांटों की नोक से की कैचुली। नहीं, ये नहीं हो सकता, इस परिस्थिति का इस प्रकार रहने देना संभव नहीं। हम में से किसी एक को मरना होगा, किसी एक को मरना होगा। इसे मैंने ही ये सब कुछ दिया है, और मुझे ये सब छीनने का अधिकार है। क्यों ना इसके इसके स्तनों में अपने दांत गाड़ कर इसे यहीं मार डालूं, क्यों ना इसे मैं सदा के लिए अपनी बना लूं, अपनी अपनी। मेरे प्रिय होठ सिल गए हैं, मेरे दांत निकाल दिए गए हैं, मेरी विष की थैली निकाल दी गई है। तू चुप कर छिपकली, एक जमाने में मुझे देखकर जलती थी, अब हंसमत, मजाक न कर। अपने प्रकाश के आंचल को खींच कर मेरे शर्म को अंधेरे में लोप कर दो।
नाग में और दूसरे नाग में कोई अंतर नहीं बचा। आखिर में मैं वैसा ही हूं, जानवर, कीड़ा, कीड़ा हूं मैं। रानी के अंगांग, रानी के अंगांग मनुष्य के लिए है। मूर्ख, शतमूर्ख हूं मैं। इसे अपनी ही चमड़ी अच्छी ना लगे, इसे उतार कर फेंकने वाली जात है तेरी। इस मनुष्य के सौंदर्य को अपने शरीर से चिपकाने की इच्छा क्यों है तुझे? उसका रूप, उसका सौंदर्य तेरे लिए नहीं, तुझे, तुझे केवल केवल उसके लंबे लंबे बाल। तू नाग कन्याओं समान इन बालों को छू, मेरे विलास के लिए यही बहुत है। अंतिम बार मैं अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करूंगा। मैं अब इन बालों से भी हल्का होकर, बालों से भी पतला होकर और भी महीन होकर इन बालों में छिप जाता हूं, इन बालों में छिप जाता हूं। तू अब इन बालों के ही चक्कर काट, उछल कूद तैर उड़ ले। हाँ, इसके लंबे जुड़े को प्यार कर। हाँ, बालों में संवेदना नहीं होती, बालों में संवेदना नहीं होती। हाँ, और तेरे जैसे जंतु के लिए यही बहुत है। ऐसे लगा जैसे कोई पुकार रहा हो। कपन्ना! अरे, ये तो अंधी मां की आवाज है। सपने में मुझे ऐसे लगा मानो मेरी मां ही बुला रही हो। बेचारी, क्या क्या हुआ जी? मेरा सर बहुत भारी लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि एक मन भार रखा हो। आप कुछ कीजिए, कुछ तो कीजिए। आप कंघी कर देंगे मेरे बाल? किए देता हूं। आ, 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 आ,
अरे ये क्या है? ये तो कोई कीड़ा है। अरे नहीं, ये तो नाग है। ये तो मर गया। ये तो मर गया है। रानी रानी तुम महान हो। तुम्हारे अपने बालों की महिमा, तुम्हारे अपने पातिव्रत का प्रभाव, तुम्हारे बालों में जाकर ये नाग भी मर गया। तुम महान हो रानी, तुम महान हो। अपनी बात छोड़िए, इस नागराज ने हमारे बेटे के प्राण बचाए हैं। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जीवन दान का ऋण पितृ ऋण के समान होता है। नागराज है, मैं चाहती हूँ कि इसका अग्नि संस्कार हो और इसका अग्नि संस्कार हमारा बेटा करे। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है जी? यही नहीं, प्रत्येक साल नागराज की याद में हमारा बेटा पिंडदान करेगा। पिंडदान? इस नाग के लिए पिंडदान मेरे होते हुए? मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आप मना नहीं करना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं इस नाग के अंत्य संस्कार का प्रबंध करता हूं। तुम महान हो रानी, भला भला तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूं, कैसे टाल सकता हूं? हो गई कहानी? छी, इसका अंत कितना घटिया था। हाँ, ये ऐसा क्यों हुआ? क्या कहानी? क्या कहानी ऐसे खत्म होनी चाहिए? क्यों? रोना, धोना, मृत्यु, आंसू, शोक, शराबा, रोज घर में ये ही तो देखते हैं। यहाँ भी वही बात। और अंत में जिससे कोई नहीं बच सकता है, वही याने मृत्यु। तो आप इस मृत्यु से क्यों भाग रहे हैं? हाँ, अंधेरे में मिला जाना ही अगर हमारा भाग्य था तो इतनी दूर तक आने की क्या जरूरत थी? घर में ही समाप्त हो सकता था ना। हाँ, बेकार में बिठा दिया हमें। हाँ। क्यों कहानी? मैं क्या कर सकता हूँ, कहानी ही ऐसी है। तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? हाँ, अपने आप को बड़ा नाटककार समझते हो ना, जल्दी से कुछ सोच के बताना चाहिए। हाँ हाँ, हो सकता है तो कहो, नहीं तो हम चले। हाँ, 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 हाँ। तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है ठीक है, अब मैं ही कुछ करता हूँ। रानी अपना, बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने समझाया, ठीक है? Thank you.
क्या हुआ? जी, मेरे बाल तो जड़ों से खींचे जा रहे हैं। क्या करूं? जरा कंघी कर दीजिए ना। क्यों देता हूं? क्यों खींचे जा रहे हैं इतने? अखबार अरे कोई कीड़ा, रुको। अरे ये तो नाग है, कैसे छटपटा रहा है। रुको, इसे इसे यही मार डालता हूँ। मेरी वो कपड़े सुखाने वाली लाठी कहाँ गई? गुसल खाने में रखी होगी शायद। अभी लेके आता हूँ, अभी लेके आता हूँ। तुम यहाँ क्यों आ गए? देखो देखो, अभी वो तुम्हें मार डालेंगे। क्या करें? तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, चले जाओ। अरे अरे वहाँ नहीं, वो तो उसी तरफ गया है। हे भगवान, क्या करें क्या करें? एक काम करो, आ जाओ तुम मेरे बालों में समा जाओ, जल्दी। धीरे से बाल नहीं खींचना। आगे तुम्हें पता नहीं तुम्हारा कितना वजन है। वो कहाँ गया, कहाँ गया? जी वो उस गुसल खाने की तरफ गया है। हाँ, गुसल खाने की तरफ कहाँ है? तो नहीं गया। तुम ठीक तो हो ना? सुनो, मेरे बाल मेरे सौभाग्य की निशानी है। अब तुम सदा के लिए यहाँ सुख से रहना। सुनो, अब मुझे जाना है, मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है। अरे नाटककार जी, ये हुई ना बात? हाँ, बढ़िया थी, मजा आ गया। हाँ। अरे देखो, सुबह होने को आई है। चलो चलो चलते हैं। शाम को मिलेंगे। शाम को तुम जल्दी आना। शाम को मिलेंगे। प्रोत्साहन के लिए हम आप सबके प्रति हृदय पूर्वक आभार प्रकट करते हैं। अब हम सभी कलाकारों का आपसे परिचय करवाते हैं। रानी की भूमिका में तृप्ति राव, अपर्णा और नागप्पा की भूमिका में संजय राव, अंधीमा अमिता शिरूर, सपन्ना शशांक सनड़े, ज्योतिया आकृति कोड़ंगे,
अन्विता, अन्विता कोरंगे, गौरी मुलर पटन, प्रिया नाटकर्णी, सिंदूर नागराज और सोनाली सानाड़े। पंचायत के बुजुर्ग रामचंद्र कोडंगे, उदय भटकर, आनंद नगरकर और चैतन्य सिंह, गांव की महिलाएं अलका बोलंगड़ी, अनुपमा चंदावरकर, लता नाडकर्णी, सुनीला नागरकर, और बीना बिजू। नृत्य निर्देशिका अन्विता कोडंगे। संगीत रचना राधिका जोशी रे। और शशांक सानाडे। संगीत साथी कलाकार विद्यानंद मुलर पटन, दुर्गानंद मुलर पटन, अश्विन बालावलकर और मिहिर कल्याण की। पार्श्व संगीत नरेन नेमपल्ली। वेशभूष दीपा कारनाड और प्रीति नागरकर। रंगमंच व्यवस्था मोहन, श्याम हटंगड़ी और साथी। कठपुतली रचना अदिति चंदावरकर, अलका बोलंगड़ी, अनुपमा चंदावरकर, चित्रा उभयकर, गौतम उभयकर, ईशानी नेमपल्ली, कामाक्षी बैंदूर, माया तिलपाड़ी, रूपा नाटकर्णी, संजय बलसावर, शीतल शिराली, स्वाति उल्लाल, बीना बिजूर और विजया चंदावरकर। भूमिका में यतिन नाटकर्णी और कहानी की भूमिका में अनुजा मुदुर। इस नाटक का निर्देशन किया है गौतम उभयकर। चौड़िया मेमोरियल हॉल के सदस्य महालिंगा और साथी तथा मोहन और साथी, चैतन, इन सबको हार्दिक धन्यवाद। आप सब प्रेक्षकों को जिनके बिना नाटक खिलवाने में कोई संतुष्टि नहीं, आप बहुत सबको धन्यवाद।
नमस्कार, आई एम आनंद नगरकर, ऑनररी सेक्रेटरी फॉर आर्ट्स एंड कल्चर, कैनरा यूनियन, मलेश्वरम, बैंगलोर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच ऑफ यू फॉर व्यूइंग इट. इफ यू हैव लाइक्ड इट, काइंडली क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. And also, subscribe to our channel if you have not already done it. As you all know, Canara Union is over 120 years old. And we have been involved not only in sports and cultural activities, but also a lot of charitable activities such as medical relief, distress relief, student scholarships, to name a few. If you would like to support us, kindly click on the PayPal account given just below the video and donate whatever amount you are comfortable with. Each of your donations will mean a lot to us and will go a long way. So please watch out for 13 more beautiful plays which are going to be released in the month of May 2020. Till then, namaskar, take care.